नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल की शान, करनाल क्लब करनाल में ही एक लॉन्स क्रिकेट लीग करवा रहा है, जो कि कपल्स के बीच में होनी जा रही है। यानी एक क्रिकेट लीग जिसमें कपल्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और ये उन लोगों के लिए है जो करनाल क्लब के मेंबर्स हैं। करनाल क्लब लगातार इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है ताकि लोगों का रुझान खेलों की तरफ बना रहे। इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि करनाल क्लब की ओर से लॉन्स क्रिकेट लीग करनाल में करवाई जा रही है। आखिर क्या ये पूरा प्रोग्राम होगा, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और स्पेशली कपल्स के लिए ही ये क्यों रखा गया, यानी कि अगर एक परिवार से कोई पति पत्नी है तो वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ कंवरप्रीत सिंह भाटिया हैं, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार एसोसिएशन करनाल के। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो करनाल क्लब की ओर से इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कपल लीग क्रिकेट मैंने पहली बार सुना है, लोगों से क्या बताना चाहेंगे? कर्शन जी, मैं सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने एक ये इनिशिएटिव लिया है, इस छोटे से इवेंट को इतना बड़ा बनाया आज आके। देखिए, और मैं सबसे पहले अपने करनाल क्लब का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रमोद जी हैं, मेहता जी हैं, और सबसे पहले मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ हमारे डोनी पाजी का। हम तो डोनी पाजी कहते हैं, गुरपाल सिंह जी नाम है इनका। इन्होंने ये शुरुआत करी, एक छोटा सा ये पौधा लगाया है, और इस पौधे को हमने इसका साथ दे के हम चार जो इसमें पाँच बेसिकली तो हम पाँच आदमी हैं, लेकिन चार कैप्टन बनाए हैं। एक दो कैप्टन मैं हूँ, एक सुमित जी हैं, एक डॉक्टर संदीप अबरौल हैं, एक हमारे रोहित जी हैं, तो और साथ में हमारे राजेश जी हैं, ग्रोवर जी। ये पूरा अपना टाइम दे रहे हैं इस इवेंट के लिए। और देखिए, ये क्या इवेंट है कि ये पहली बार करनाल क्लब नहीं, पूरे करनाल की हिस्ट्री में देखिए, हम लोग हमेशा देखते हैं या तो लेडीज़ क्रिकेट होती है, मेंस क्रिकेट होती है, बच्चों क्रिकेट होता है। ये पहली बार ऐसा कंसेप्ट है कि यहाँ पर सिर्फ कपल क्रिकेट ही है, कपल ही खेल पाएगा, चाहे वो आपकी एक डॉटर हो, चाहे आपका लड़का हो, मतलब कपल खेलेगा, चाहे वो मेल फीमेल कॉम्पिटिशन रहेगा, एक ही फैमिली का होगा। नहीं, अगर कोई और भी आना चाहे, मगर मेंबर होना मैंडेटरी है करनाल क्लब का। तो हमने यही इनिशिएटिव लिया, उसमें हमने अब क्या किया, हमारे पास लगभग 25-26 कपल्स की मंजूरी मिली, रजिस्ट्रेशन। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने करा, हमारा साथ दे रहे हैं वो लोग, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उन कपल्स का, जिन्होंने इस टाइम, देखिए गर्मी कितनी पड़ रही है और इलेक्शन टाइम, उन्होंने अपना टाइम निकाल रहे हैं। तो 6 टीम्स हम सबको दे रहे हैं, जैसे 2 टीम बचती हैं, कई बार कोई टीम नहीं आ पाती तो उसको हम वो 2 टीम देंगे। मैं चैतन्य ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ छाबड़ा जी का, कि उन्होंने इसमें अपनी हमारे को योगदान भी दिया है और बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। वो हमेशा देते रहते हैं, जैसे मैं पहले बताता हूँ, लॉयर क्रिकेट के अंदर उन्होंने हमारे को योगदान दिया था, और उसी कड़ी के अंदर उन्होंने ये को खुद भी पार्टिसिपेंट है, मतलब ये अच्छी बात तो ये है कि ही इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट ऑल्सो। और ये जो इवेंट है, हम 25 तारीख को शुरू करवाएंगे, हमारे प्रमोद जी इसके मेन चीफ गेस्ट रहेंगे उस दिन, और डॉक्टर मगलानी जी इसके अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, और उस दिन फंक्शन चलेगा, 7 बजे शुरू होगा, और हम उस दिन हमारे जो हर शाम को सर 7 PM, क्योंकि इलेक्शन डे है, छुट्टी का माहौल है, डे नाइट मैच है, क्या होगा, सारा दिन की थकावट होती है, बड़ा कूल सा माहौल रखना चाहते हैं यहाँ पर। 6 ओवर साइड मैच रहेगा ये, उसमें 2 ओवर जो होंगे वो लेडी जो हमारी होगी मेंबर, वो लेडी ही बैटिंग करेगी और लेडी ही बॉलिंग करेगी, मतलब इसमें हमने कॉम्प्लिकेशन नहीं करा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मल रखा है, और बाकी जो 4 ओवर रहेंगे वो मेंस ही करेंगे उसके अंदर, लेकिन टीम जो होगी वो 10, मतलब टोटल 10, यानी 5 कपल्स खेलेंगे, एक इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा, इम्पैक्ट कपल रहेगा। टी ट्वेंटी को फॉलो देखिए, रूल तो वही चलेंगे, अंपायर्स हमने इसमें बिल्कुल, इसमें ऑनलाइन स्कोरिंग की जाएगी, अंपायर्स हमारे बिल्कुल लेवल के हैं, करनाल के जो बेस्ट अंपायर्स हैं वो बनाए गए हैं। ग्राउंड हमारे करनाल क्लब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को पूरा इसमें प्रमोट किया है, पूरा सपोर्ट किया है, ग्राउंड उन्होंने खुद तैयार करा के दिया हमारे को यहाँ पर। और अब देखिए उसके अंदर क्या रहेगा, 3-3 मैचेस होंगे लीग की तरह, हर एक टीम को दिए जाएंगे, जो 2 टीम बेस्ट रहेंगी वो फाइनल खेलेंगी 26 को। तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करता हूँ, सारे मीडिया को इनवाइट करता हूँ आपके माध्यम से, कि आके ये चीज़ देखिए, एक नया तरह का काम है ये, और आपको अच्छा लगेगा, फन होगा, क्योंकि देखिए हमने ये ड्रॉ के थ्रू करा है, हमने टीम जैसे नहीं कंपोजिशन करी, हमने 2 या 3 करा के कपल, 3 कपल ड्रॉ के थ्रू भेजे हैं, मतलब उससे ये लगना चाहिए कि एक फेयर रेस रहेगी, टीम इक्वल हो, कोई भी टीम जिसका दिन अच्छा होगा या जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी इसके अंदर। तो मैं ये धन्यवाद करता हूँ डोनी भाई साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और पिछले 10 दिन से हम लोग सारे जाने मिलकर, मेहता जी को भी हमने धक्के से, जबकि 9 बजे आ जाते हैं घर, इनको भी धक्के से रोक के रखा, भाई आपने नहीं हमारी मदद करो, क्योंकि आप इसमें हमेशा आप लोगों की एक, हाँ, तो मेरा यही है। और जो हमारे मेन चीफ गेस्ट जो रहेंगे 26 को रहेंगे, अपना अशोक छाबड़ा जी होंगे, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया, योगदान है उनका, तो वी वॉन्ट हिम, और हम आपको इन्वाइट करते हैं सारे को, उस दिन प्रॉपर डिनर है हमारा,
हाँ विद एवरीथिंग इज देयर, तो 7:30 संडे को स्टार्ट होगा। जैसे मुझे पता है कि आपका शेड्यूल 25 को थोड़ा हेक्टिक रहेगा, फिर भी हमने आप लोगों के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स अपने लिए रखे, आपके लिए रखे, तो आप लोग भी आएँ, ज्वाइन करें, सारे मीडिया ज्वाइन करें। और मैं कनाल क्लब के और मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको आना है वो आइए, हमारी तरफ से उस दिन सबको इन्विटेशन है 25-26 का, दो दिन का। ये एक इवेंट है, ऐसा इवेंट शायद मेरी ज़िंदगी में, मैं कनाल क्लब का पिछले 15-20 साल से मेंबर चल रहा हूँ, मैंने तो इवेंट, मैं गनीमखाना क्लब का मेंबर हूँ, ऐसा इवेंट शायद कभी भी नहीं देखा गया। मैं चंडीगढ़ पढ़ा हूँ, मतलब अच्छा चीज़ है। तो मैं अपने क्लब के जो हमारे मेंबर हैं या जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे डोनी पा जी हैं, प्रमोद जी हैं और भी जो हैं, इस तरह के इवेंट्स क्लब में कराना चाहिए। इससे एक तो आपस में, हमारे क्लब्स में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग मेंबर्स तो हैं लेकिन हम कुछ कपल्स को, अपने नोन कपल को जानते हैं। इस इवेंट के थ्रू एक और नई चीज़ आएगी कि जो 26-23 कपल आएंगे, वो कुछ कपल अननोन भी होंगे उनमें, वो आपस में उनकी इंट्रैक्शन बढ़ेगी। तो ये एक पब्लिक सोशल गैदरिंग भी इस चीज़ की ऑर्गेनाइज होती रहनी चाहिए। धन्यवाद आपको। कंवरप्रीत सिंह भाटिया हैं, एक अच्छे अधिवक्ता होने के साथ साथ हसमुख भी हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, क्योंकि हम लोग इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहते हैं, अच्छे बॉलर और अच्छे बैट्समैन भी हैं। हमारे साथ सुमित गुप्ता जी हैं। सुमित जी, जाहिर तौर पर इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग हो सकता है संपर्क करें, तो कैसे वो लोग आपके साथ ज्वाइंट हो सकते हैं? कंवरप्रीत जी ने बताया कि करनाल क्लब का मेंबर होना मैंडेटरी है, तो अगर कोई करनाल क्लब का मेंबर है, जुड़ना चाहता है, खेलना चाहता है, कैसे संपर्क कर सकता है? सर, उसमें हमारे मिस्टर मेहता जी हैं जो स्टेट ऑफिसर हैं, उनका नंबर जो है ग्रुप के अंदर, मतलब वो सारे मेंबर्स हैं, तो मेहता जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अभी वैसे ऑलमोस्ट जो है हमारी वर्किंग इस पर हो चुकी है, बट लेकिन अगर हमें 6 मेंबर्स और अगर खेलने को अगर मिलेंगे तो हम उनको भी, मतलब कुछ उनका वर्कआउट कर सकते हैं। बेसिकली आकर्षण जी, इसमें मकसद यही है कि लोग क्लबिंग को जेलिंग करें और आपस में लोगों का सोशल सर्कल जो है वो और बने, ये सर्कल बढ़े। हाँ, कम्युनिटी का सर्कल बढ़े। सबसे, मतलब मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा, ये आज से 12 साल पहले एक इवेंट जो है डॉक्टर राजीव गुप्ता जी के, उसके अंदर एक स्टार्ट किया गया था, जब ये स्पोर्ट्स मीट का शुरुआत हुआ था करनाल क्लब के अंदर, तो उसमें हम 5-6 लोग थे जिन्होंने ये इनिशिएट किया और बड़े अच्छे लेवल तक हमने इसको आगे मैनेज किया। अभी पिछले 2-3 साल से ड्यू टू सम रीजंस जो है इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हम कर पाए। नाउ वी आर प्लान इन दी, मतलब इन दी सपोर्ट ऑफ और गाइडेंस ऑफ मिस्टर डोनी पाजी, तो यह इवेंट आपा प्लान किया हैगा, तो मैं थोड़े मार्फत सबनों कोशिश, मतलब रिक्वेस्ट करांगा कि बढ़ चढ़ के करनाल दे मेंबर, करनाल क्लब दे मेंबर इस इवेंट इच पार्टिसिपेट करें। 25th नू है, 7 बजे स्टार्ट करांगे, ते और अगले दिन भी इसके कुछ मैच होंगे, संडे को भी आप यहां पर आ सकते हैं। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि खेलेंगे सिर्फ वही लोग जो करनाल क्लब के मेंबर हैं, देखने के लिए कोई भी आ सकता है, यानी तालियां बजाने के लिए कोई भी आ सकता है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी